मैडम बिल तो नहीं भर पाएंगे, बर्तन वगैरह मांज देंगे तो छोड़ देंगे क्या हमें? आज अगर तू पैसा नहीं दे पाए ना तो आज स्विमिंग पूल साफ करेगा। गलती से लेडीज टॉयलेट में घुस गया गाइस, माफ कर दो गाइस। आज कोई नहीं था बोल के बच गया। महफिल के अंदर जाने के लिए ना फोर व्हीलर मैंडेटरी है, और सूट बूट के बिना आपको अंदर घुसाने नहीं देंगे। अबे पागल, हाथ से मत खाना, अगर खा दी तो गरीब समझ के भगा देंगे। 3000 की ये चीज मैं 1 महीने तक मुझे बर्तन मांजना पड़ेगा यार। 1 रोटी 105 रुपए का। गाइस नुकसान हो गया। दोस्तों आज से पहले कभी हमारी हिम्मत ही नहीं हुई थी इस होटल के अंदर घुसने की। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक कहानी है, पूरा वीडियो एंड तक देखिए आपको पता चल जाएगा। होटल के एंट्री में मौजूद उनके स्टाफ ने जैसे ही नमस्कार करके हमें स्वागत किया, इस होटल के प्रति हमारा प्रेम और बढ़ गया। जी हाँ, आज हम आए हैं वन ऑफ द बिगेस्ट होटल एंड रिजॉर्ट ऑफ वेस्टर्न ओडिशा, जो है होटल महफिल रौरकेला। पिछले आधे घंटे से हम एंट्री गेट ढूंढ रहे हैं यार, इतने सारे मिरर्स हैं ना। आई थिंक राइट में होगा। चल भाई, ये किसी भूल भुलैया से कम नहीं है यार, कहाँ पे जाए कहाँ नहीं पता ही नहीं चल रहा है। ये लो गाइस, सस्ती रील स्टार्ट हो गई, सस्ती रील्स, ओ माय गॉड। अब आता है हमारे जिंदगी का सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट। नहीं नहीं, स्टाफन का होटेज सिर्फ ड्रेसिंग टेबल वगैरह है। अबे दोस्तों पचका हो गया, मैंने देखा नहीं था एक्चुअली। गलती से लेडीज टॉयलेट में घुस गया गाइस, माफ कर दो गाइस। अंदर ड्रेसिंग टेबल वगैरह पड़े थे, मैंने सोचा कि लड़कों के लिए ड्रेसिंग टेबल कब से रखा गया है टॉयलेट में। आज कोई नहीं था बोल के बच गया। कम ही लोग होते होंगे जो ऐसे टॉयलेट का भी रिव्यू करते होंगे। पंखा भी लगा हुआ है, मतलब आराम से टॉयलेट कर सकते हो आप इधर यार, गजब। अबे ये छत के ऊपर पंखा क्या कर रहा है रे? लग्जरियस होटल है ना भाई, देखो यार लग्जरी होटल इसे बोलते हैं यार, शाबाश। सो गाइस हमारी एक कहानी है महफिल को लेके। गाइस जब बचपन में मैं स्कूल जाता था ना इसके सामने से, तो मेरे जो कुछ कमीने दोस्त ने क्या बोला था पता है? क्या बोले कि महफिल के अंदर जाने के लिए ना फोर व्हीलर मैंडेटरी है, और सूट बूट के बिना आपको अंदर घुसाने नहीं देंगे। तो इसके चक्कर में हमको खर्चा हो गया और हमने नैनो खरीद लिया। पर दोस्तों वो सब गलत बात है, हम खुद आज टू व्हीलर में आए हैं, वो भी सड़ी हुई। देखो मैंने ऊपर से हवाई चप्पल पहना है और जूते में देखो गोबर भी लगा हुआ है, और मैं बिना नहाए आई हूँ। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी यहाँ आ सकता है यार, छोटे से बड़े। वाओ भाई, आज अगर तू पैसा नहीं दे पाए ना तो आज स्विमिंग पूल साफ करेगा। आप पेमेंट नहीं भर पाओगे ना तो आपको यहाँ पे भिगो के यहाँ पे लपेट के पीटा जाएगा। थोड़ा आनंद ले लेती हूँ। किस तरह से झरने से पानी स्पीड हो गया, ओ माय गॉड। अबे ये बतख वगैरह घूम क्यों नहीं रही हैं? लो हर एक कोना एंजॉय कर रही है लड़की तू। क्योंकि मैं आज यहाँ पे पहली बार आ रही हूँ और शायद ये मेरा आखिरी बार भी है। एक चीज हो सकता है, हम लोग यहाँ पे दोबारा भी आ सकते हैं। कैसे? अगर हमारे व्यूअर्स ना ये वीडियो देख के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ना, अगर उसमें से 5-10 रुपए इनकम हो जाएंगे ना तो आ सकते हैं शायद। फिर तो बिल्कुल भी नहीं आ पाएंगे हम, कोई नहीं शेयर करेगा। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? ये बड़ा मोबाइल नहीं यार, तुम बिना बदनाम करोगे यार। गाइस मेरी बहन जाकर रिसेप्शन में इंक्वायरी कर रही है कि अगर बिल ना भर पाए कोई तो उसके साथ क्या हश्र किया जाता है। बहुत डर लग रहा है मुझे। फाइनली वो घड़ी आ गई जिसके लिए हम होटल में आए थे। तो बहन क्या कर रही है तू, ऑर्डर ढूंढ रही है क्या? मैं देख रही हूं ऑर्डर, और मैं ना सोच ही नहीं पा रही हूं कि मैं क्या ऑर्डर करूं। मेरा तो पहले खाने में नहीं जा रहा, मेरा तो पहले प्राइस में जा रहा है। अबे 3000 की ये चीज मैं 1 महीने तक मुझे बर्तन मांजना पड़ेगा यार, ऐसा मत कर। तू प्राइस देख के आइटम मंगा। अबे 50-60 रुपए में कुछ मिल रहा है क्या? देखना 50-60 रुपए में तो कुछ एक भी चीज नहीं है। तो गाइस इस बार पैसा वसूल करने के लिए हमने एक और बंदी को साथ में लाया है, जो कि आप देख सकते हो अभी से ही काम चालू कर लिए। तो बहन क्या क्या डिसाइड की? चिकन आजू आजू बाजू। चिकन आजू बाजू, ऐसे आजू बाजू से आएंगे हमारे पास। चिकन रोली पोली, पुलाव आपकी पसंद रखा। पुलाव आपकी पसंद, गजब। भाई ये एक तो आइटम कुछ ना चाटू वरा दिख रहा है, शायद ये आइटम ज्यादा चाटता है इसलिए इसका नाम चाटू रखा है। नहीं भाई, हमसे ज्यादा चाटू तो नहीं हो सकता वो। हाय, मतलब 1 रोटी 105 रुपए का। ठीक है चलो, हम लोग अभी ये 3 मंगाते हैं। पिछली बार 575 रुपए लेके गए थे पोस्ट में, इस बार हम 775 रुपए लेके महफिल में आए हैं। अगर बिल हमारा 775 के ऊपर गया तो हम तो पे नहीं कर पाएंगे, मजबूरन बर्तन ही मांजने पड़ेगा। भाई इतने सारे चाकू छुरी दिए गए हैं भाई, क्या हमको ये सब यूज करना पड़ेगा? अबे हाथ से, हाथ से नो। अबे पागल, हाथ से मत खाना, अगर खा दी तो गरीब समझ के भगा देंगे। हम लोग गरीब ही तो है ना। फाइनली हमारे ऑर्डर किए गए आइटम्स आ जाते हैं, जिसका इंतजार हम ऐसे कर रहे थे जैसे मानो हम सदियों से भूखे हों।
ये डिश का नाम है चिकन आजू बाजू। देख आजू बाजू, बीच में गैप है थोड़ा सा, बट डिलीशियस दिख रहा है। राइट गाइस, नुकसान हो गया। किसने गिराया रे? आपने गिराया ना? मैंने गिराया। हां मैंने गिराया। देखो भाई, 50 रुपए का नुकसान हो गया। ये नहीं 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 नहीं, इज्जत जाएगा, मत करो ऐसा कुछ, जाने दो, 50 रुपए का लॉस हो गया। ये नहीं नहीं नहीं, हाँ देख के तो मजा आ रहा गाइस, बिल आने तक एंजॉय कर लो। तो गाइस बिंदास खाओ, सोचो कि ये फ्री मिल रहा है हमको, ऐसा फील करके खाओगे ना तो अच्छा लगेगा। देखो भुक्कड़ ने कैसे चालू कर दिया, टेस्ट मानना पड़ेगा। पहले ही चम्मच से ना जो अंदर से होता है ना, तो आत्मा जागृत हो जाती है। क्या खाना है भाई, भाई। मतलब इतना सेटिस्फेक्शन आज तक नहीं मिला था सीरियसली गाइस। ये हम लोग ने एक डिश मंगाया था, वेज हंग कर्ड फिटर्स। कोई एक भी ऐसा डिश नहीं है जिससे हम लोग बुराई कर सके यार। साफ करो साफ करो, सब कुछ साफ करो। चावल नहीं बचना चाहिए, ये गाजर वाजर ये सब भी नहीं छोड़ने का रे बाबा। खाते जाओ। मैंने नींबू अच्छे से निचोड़ा है क्या? एक बूंद भी नींबू का नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा डाल के खा ले नींबू। जितने भी ग्लास में पानी बचे हैं सब पी के जाना है, एक बूंद भी पानी मत छोड़। थोड़ा सा बाकी है पानी। तो गाइस फाइनली हमने सब कुछ साफ कर दिया है। आर यू रेडी गाइस फॉर द बिल? इस पे थोड़ा सा नमक डाल देंगे तो मस्त नींबू पानी हो जाएगा रे। मुझे सबसे ज्यादा टेंशन क्या हो रही पता है क्या? हम खाने के पैसा नहीं दे पाएंगे, टिप के लिए पैसा कहाँ लाएंगे? तेरे पास है क्या कुछ? टिप भी देना पड़ेगा? अरे मैंने सुना है कि इनको टिप बहुत महंगा देना पड़ता है, फुल बेइज्जती। तो गाइस बिल आ गया है हमारा। गाइस हम डर गए हैं, दो दो बिल हमारे पास क्यों आ रहा है? तो अभी देखते हैं हमारा बिल का हाल क्या है। सो गाइस ये रहा वो बिल। भाई 2000 के ऊपर का बिल आया है। मैडम बिल तो नहीं भर पाएंगे, बर्तन वगैरह मांज देंगे तो छोड़ देंगे क्या हमें? लास्टली मैं बताना चाहती हूँ कि खाना ना बहुत अच्छा था मैफिया रिजॉर्ट का। हम लोग ने एक चीज की भी हम लोग बुराई नहीं कर सके। मैफिया रिजॉर्ट कहाँ पे है? हम लोग का राउरकेला ओडिशा सिविल टाउनशिप में है। गाइस गुड न्यूज ये है कि ये लोग राजी हो गए हैं कि बिल भरे बिना हम लोग जा सकते हैं यहाँ से, लेकिन सारे बर्तन वगैरह मैं धोऊंगा, मैं झाड़ू मारने वाली हूँ, और हमारी जो वाइफ है ना सबको पानी सर्व करेगी। हो गया, मजा आ गया। चलो आर यू हैप्पी गाइस? यस। भाग गया हमें छोड़ के। भाई गॉड कितना बड़ा घंटा। व्हाट्स माय फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी? नॉट पेइंग बिल्स। Damn it.